जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगी हर हर महादेव। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। रियासी डिस्ट्रिक्ट के दरमाड़ी की वो घटना जिस दिन भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, शिवलिंग को खंडित किया गया और उसके बाद जगह जगह रियासी डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन देखने को मिले। SSP रियासी और DC रियासी ने कहा कि जल्द ही जो क्रिमिनल्स हैं, जो जिन्होंने ऑफेंस किया है उनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट थे वो कम हुए, लेकिन जो हिंदू संगठन है, खासकर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS या फिर सनातन धर्म सभा, इन सब ने एक बीड़ा उठाया कि जो मूर्तियाँ खंडित हुई हैं उनको भव्य तरीके से दोबारा बनाया जाएगा और उन पवित्र मूर्तियों की उसी मंदिर में, दरमाड़ी के उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ताकि जो हिंदू समाज है उनके धर्म को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई की जा सके, वो फिर से उस मंदिर में जा सके जहां पर वो सालों से पूजा करते आए थे और फिर से उस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही भव्य मूर्तियां हैं जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, मैं सैनिक कहूंगा, वो गाड़ी में भरकर, ये वो गढ़ है, इस गाड़ी में ये भव्य मूर्तियां जा रही हैं। रियासी में तैयारियां की जा चुकी हैं इनका भव्य स्वागत करने की और आज शाम को ये दरमाड़ी पहुंचेंगी और उसके बाद 2 दिन का, मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 से 3 दिन का भव्य कार्यक्रम चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का। आइए हम अपने इन भाइयों से बात करें जिनको आज सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान शिव को, माता पार्वती को, भगवान हनुमान को, उस पवित्र शिवलिंग को उस पवित्र नगरी दरमाड़ी के उस भव्य मंदिर तक ले जाने के लिए, जहां फिर से प्रभु अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान होंगे और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। सोन सिंह जी, आप विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री हैं, सबसे पहले यही पूछूंगा कि कैसा प्रतीत हुआ जब आपको जानकारी मिली कि भगवान शिव का मंदिर दरमाड़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट में उसको खंडित कर दिया गया है? देखिए, ये हमें तुरंत सूचना जो थी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली कि दरमाड़ी में जो पवित्र स्थान था वहाँ पर लगी हुई मूर्तियाँ कुछ ऐसे लोगों के द्वारा तोड़ी गई हैं जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो जब संगठन को प्रांतीय स्तर पर इस बात का पता चला तो विश्व हिंदू परिषद की जो प्रांत की टोली है उस टोली ने एक निर्णय लिया कि अगर ये मूर्तियां खंडित हुई हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये मूर्तियां जो हैं वहां पर द्वारा स्थापित करेंगे। तो उसके माध्यम के विश्व हिंदू परिषद की सक्रिय टोली ने आज यहां पर जो कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के खड़े हैं, जिनमें अपने विभाग अध्यक्ष अशोक जी हैं, विभाग संगठन मंत्री अपने कुलदीप जी हैं, अपने यहां रियासी या ज़िले के अपने विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के संयोजक हमारे साथ हैं, इस सब की टीम ने कटरा से लेकर आगे की व्यवस्था जो कर रखी है कि ये मूर्तियाँ आज शाम तक वहाँ पहुँचनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रियासी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक बहुत जोर और शोर के साथ वहाँ स्वागत होने जा रहा है कि ये मूर्तियाँ किस आधार, कैसे, किन लोगों के माध्यम से तोड़ी गई हैं। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम इसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो मूर्तियों द्वारा वहाँ स्थापित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कब होगी इनकी दरमाड़ी के उस पावन शिव मंदिर? कल से वहाँ पर जो है, वहाँ पर कल से यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और ये 2-3 दिन यज्ञ होने के बाद इनकी वहाँ पर पूरा जो है वो स्थापना की जाएगी। क्या कहेंगे आप जिन लोगों का मनोबल टूट चुका था, क्योंकि दरमाड़ी में ये सुनने में आया कि ये मंदिर कुछ सरकारी अफसरों ने उस समय चंदा इकट्ठा करके लोकल्स के कहने पे बनवाया था और उसके बाद ये बनता रहा है, लेकिन जब इसे खंडित किया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, एक तरह से रिलीजियस भावना को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन अब दोबारा जो पवित्र मूर्तियां हैं वो बनकर तैयार हैं, प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान फिर विराजमान होंगे, कितनी बड़ी बात है सबके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जिसमें हिंदू समाज को कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब से ये अपनी जो यात्रा जो है, ये अभी से जो यात्रा अपने शिव की यात्रा जो है
जम्मू में प्रारंभ हुई, तो उसी दिन से ये कुछ आमदनियाँ ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे अपान जिनक ऐसी चीज़ें किए जा रही हैं कि जिससे हिंदू समाज जो है उसका मनोबल गिरा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू समाज बहुत सुशील, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनम का जो नारा हम लोगों का है उसको पूर्ण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, अब जिसने ये किया है अगर वो कहीं पर, अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि हम किसी पर भी सीधा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, ये आबद्र जो कार्य किया है, ये अपने समाज और धर्म राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो हम यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये अपील की है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को जो है वो निकाल कर उनको जेल की सलाखों के पीछे दिया जाए। तो आपने सुना किस हिसाब से यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हिंदू रियासी में रहता हो या पूरे भारत में। जब ये खबर फ्लैश हुई थी तो पूरे भारत के हिंदू समाज ने इकट्ठे होकर, और खासकर मैं आपको बता दूं कि रियासी के भी मुस्लिम समुदाय ने इस घटना को नकारा था, उन्होंने साफ कहा था जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस आड़ में हिंदू समाज और मुसलमान समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये मूर्तियां आज जब दरमाड़ी शाम को पहुंचेंगी तो भावनाओं की कद्र करते हुए इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और एक भव्य समारोह आज रियासी में भी है और दो दिन तक भगवान शिव के उस मंदिर में दरमाड़ी में भी होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, कारुआ रियासी से। जय 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 जय।